लेकिन पुलिस इस वक्त जो एक्शन में है और वो कतई छोड़ नहीं रही है। देखिए ये गाड़ी आई है और सबसे बड़ी बात कि हो सकता है कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मेडिकल दिक्कतें हैं इस वजह से, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर झूठ भी, यहाँ देखिए पुलिस जो है कतई छोड़ने के मन में नहीं है। वो देखिए नीचे करिए, इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं दरोगा साहब कि नीचे करिए, और कहा जा सकता है कि यही पूछा जा रहा है वो। हालांकि देखिए इंजर्ड है तो उन्हें पुलिस छोड़ती हुई नज़र आ रही है कि वो इंजर्ड है और उन्हें यहाँ से निकाल दिया, यानी कि समझ जा सबको जा रहा है अगर कोई दिक्कत में है तो उसको इस तरीके से भेजा भी जा रहा है कि आप निकल जाइए, लेकिन कहा जा सकता है कि लोग जो है मानने को तैयार नहीं। सर किस तरह से देख रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, इतना कर्फ्यू है, कड़ा है, पुलिस लगातार एक्शन में है, क्या अभी भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है? अभी भी कुछ लोग झूठ बोल करके मतलब ये किसी डॉक्टर के बहाने किसी चीज़ के बहाने मतलब ये निकलते जा रहे हैं। कुछ लोग तो घर से टहलने के लिए बच्चों को लेकर निकल जाते हैं, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी मतलब ये लोग नहीं मानते, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का बहाना लेकर निकलते रहते हैं। पुलिस इस वक्त किस तरह से एक्शन कर रही है? सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक मतलब इसी तरीके से पुलिस खड़ी रहती है और बहुत मेहनत कर रही है, कोरोना का भी मतलब डर ना मानते हुए अपनी जी जान से ड्यूटी करती है। वाकई समझा जा सकता है कि जी जान से लोग जुटे हुए हैं, और ये तस्वीरें जैसे कि मैंने आपको दिखाई, उधर से अब फिर भाई साहब कोई आ रहे हैं, वो भी यही बहाना बनाएंगे। और लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि इतनी गंभीर बीमारी जहां देश लॉकडाउन हो चुके हैं, भारत पूरा बंद हो चुका है, लॉकडाउन है, उसके बाद भी इस तरह से लोग हैं जो सुधरने को तैयार नहीं है।